अकाली दल के समय में हुई बेअदबी की घटनाओं के लिए सुखबीर सिंह बादल की ओर से श्री अकाल तख्त को दिए गए माफीनामा को सार्वजनिक किया गया है। श्री अकाल तख्त साहिब के सचिव ने ये माफीनामा सार्वजनिक किया है और कहा है कि 5 सिंह साहिबानों की बैठक में इसका फैसला किया जाएगा। आपको बता दें कि अकाली दल के बागी गुट ने 1 जुलाई को श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में आकर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार और सुखबीर सिंह बादल को 2007 से अक्टूबर 2015 तक हुई घटनाओं के संबंध में दोषी ठहराया था, जिसके संबंध में पंच सिंह साहिबानों ने अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल से 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके मद्देनजर 24 जुलाई 2024 को शिरोमणि अकाली दल के नेताओं और अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष लिफाफे के बारे में श्री अकाल तख्त साहिब को स्पष्टीकरण दे दिया था। श्री अकाल तख्त साहिब के सचिव सुखदेव सिंह ने आज यह पत्र सार्वजनिक करते हुए कहा है कि संगर की ओर से लगातार मांग कर रही थी कि बंद लिफाफे के स्पष्टीकरण को सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने कहा है कि अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार जल्द ही पंज सिंह साहिबों के साथ बैठक कर इस संबंध में अपना फैसला सुनाएंगे।